से आना हुआ? उड़ीसा से आए हैं। उड़ीसा से। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हाँ जी बोलिए अब भाई साहब। हाँ। जो मणिपुर में जो चल रहा है। हाँ। वो नेशन क्या है, राष्ट्र क्या है, देश क्या है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन बहुत सालों से हुआ है। वो टाइम लगेगा, जब राष्ट्रवाद क्या है, देश क्या है, वो अवधारणा ठीक होगा तब मणिपुर सुधर जाएगा। वो मणिपुर है, हमारा देश है, हमारा भूखंड है, हमारे भारत माता का एक अंग है। वो दृष्टिकोण, वो भावना थोड़ा कम हुआ है, इसीलिए सालों सालों में ऐसा चल रहा है। और विदेशी लोग को, विशेषकर जो फिरिंगे आए, ब्रिटिशर्स आए, उसने वो बात उनको उसकाया। मणिपुर की जो हिंसा है, मैं आपको साथ कांग्रेस को दूंगा, मणिपुर की जो हिंसा है उसकी कहीं जड़ें बहुत दूर हैं, और वो जातीय हिंसा है उसमें एक पहलू, मैं आपके पहलू को नकारता नहीं हूँ, वो पहलू है, मैं उस बात को ध्यान में रखता हूँ। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? मैं इधर से दिल्ली से हूँ। दिल्ली से? क्या नाम है साहब आपका? मेरा उमेश नाम है जी। उमेश जी, जी उमेश जी बोलिए। मैं चाह रहा हूँ कि जो बंगाल में हिंसा हो रही है उस पर ना राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, ना विपक्ष कुछ बोल रहा है। वहाँ पे महिलाओं को पीटा जा रहा है, तो वहाँ पे विपक्ष कहाँ पे बोल रहा है? देखो मणिपुर का हो हल्ला कर रहे हैं, वहाँ पे बंगाल में क्यों नहीं हो हल्ला कर रहे हैं? इनकी यहाँ पे गवर्नमेंट है ममता बनर्जी, यहाँ पे दिल्ली में इतना ठीक। मैंने सुना बंगाल में आप नहीं जाते हैं, आप उनका कहने का सवाल जो है बहुत प्रिसाइज कर दूं अगर, तो आप बहुत चूजी हो जाते हैं, आप वहाँ जाते हैं वहाँ नहीं जाते। एक सेकंड, यहाँ पर भुवन जोशी जी आपका। जी देखिए, ये कहते हैं डिबेट में एक फोन कॉल से ये रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं, तो साहब वो एक फोन एनबीरेन सिंह को भी कर देना चाहिए इनको, ताकि युद्ध, ये जो लगातार एक साल से ज्यादा समय हो गया है, 3 मई से लगातार हम इस पर डिबेट कर रहे हैं, तो ये साहब एक फोन कॉल क्यों नहीं कर पाते? क्या इनका रिचार्ज खत्म हो गया है? ये सवाल है कि क्यों फोन नहीं कर पा रहे हैं, क्या दिक्कत है? इनके पास तो हजारों करोड़ का हवाई जहाज है, उड़ के चले जाए तुरंत की तुरंत, अगर नहीं है तो हमसे उधार ले ले। ये जो आखिरी सेंटेंस है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हाँ, मैं समझा, अगर नहीं है तो हमसे उधार ले लीजिए। जी बेशक, आप, मैं तो कहूंगा कि आप अपना प्लेन दीजिए जिसमें प्रधानमंत्री भी हो, अपोजिशन लीडर भी हो, सब एक साथ चले जाइए। हाँ जी बेशक हम चलेंगे, लेकिन आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ बंगाल, आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ राजस्थान की उस बेटी के भी घर। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आप जो है फोन से रुकवा देते हैं, तो वहां क्यों नहीं रुकवा देते? मैडम वहां पता कर लीजिए, इतिहास पढ़ लीजिए, तब पता चलेगा कि स्थिति पहले से नॉर्मल हो रही है, और नॉर्मल हो भी जाए लेकिन क्या करें, वहां जब फोन जाता है, वीडियो कॉल जाता है, तो एक सूत्रधार भी पीछे से पहुंचता है। अरे आग ठंडी हो गई, थोड़ा घी डाल देते हैं भैया, थोड़ा घी। विदेश में घी डालने वाला नहीं खड़ा रहता, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि हमारे सामने एक ऐसा अपोजिशन है जो मजबूत होकर सरकार के साथ सकारात्मक काम के पहल के बजाय मणिपुर में आग सुलगाने का काम करता है। राहुल गांधी जी तब तक भी क्यों जाते हैं जब रेशियो रेट कम होता है, पूछिए इनसे। जी ठीक है, सवाल हमने लिया आपका, सवाल अच्छा। जी भुवन विक्रम जोशी जी, देखिये देश जो है आ गया देखिए, देश जो है प्रधानमंत्री से संवेदनशीलता चाहता है, और आज किसको प्रधानमंत्री से संवेदनशीलता चाहता है कि वो हमारा क्या लेंगे संवेदनशीलता, इतने संवेदनशील इंसान है। देखिए पता चलता है कि आज भी मणिपुर के लोग इंतजार कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए और आंसू पोंछे उन लोगों के, लेकिन राहुल गांधी जी आज तीसरी बार गए, और वो उत्तर, माननीय प्रधानमंत्री जी सांसद कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से है। इतनी बड़ी घटना हाथरस में हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री जी अभी वहाँ भी संवेदना प्रकट नहीं कर पाए। हम अंतर्राष्ट्रीय विधि का विद्यार्थी होने के कारण मैं कहना चाहता हूँ कि उनको विश्व का भ्रमण करना चाहिए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय विधि का विद्यार्थी होने के कारण मैं महसूस करता हूँ कि विश्व को भी उनकी जरूरत है, वहाँ भी हमारा जाना चाहिए, हम उसका विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन इस देश की जनता ये जानना चाहते हैं क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा है, क्या पूछना चाहते हैं हम लोग इनसे कि क्या उत्तर प्रदेश के वो सांसद हैं कि नहीं, कि वो वहाँ पर जाकर NDA के सबसे बड़े नेता होने के कारण वहाँ पर भी जाकर अपनी संवेदनशीलता दे सकते थे। जी मैं क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस सीटें हैं, मैं भी आपसे एक पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी होने के नाते हम भी आपके तवक्को रखते हैं। अभी जब सेशन शुरू होगा तो मतलब इंश्योर करिएगा आप कि पार्लियामेंट छोड़ के नहीं जाएंगे आप, और बहस में पूरा हिस्सा लेंगे, तो मुझे भी इंश्योर करिए आप, तो दबाव बनेगा, दोनों तरफ से बनना चाहिए दबाव, और बिल्कुल दबाव बने। जी मैं आया, जी बिल्कुल आया जी। हाँ जी, बहुत दिन हो गए नहीं बोले आप, पहाड़ से, उत्तराखंड से, कहाँ से हैं? पौड़ी गढ़वाल से। पौड़ी गढ़वाल से जी बोलिए।
देखिए कांग्रेस का काम क्या है, देश को भटकाने का काम है और झूठ बोलने का काम है। अभी वो अग्निवीर पे आए तो कहने लगे ये सरकार नहीं देती पैसा, इंश्योरेंस कंपनी देती है, पर ये नहीं पता कि 48 लाख रुपए ये सरकार ही दे रही है। तो इन कांग्रेसियों का काम ही झूठ और अटकाना और भटकाना है। आपने कंफर्म कर लिया था इंश्योरेंस वाला और वाला पोर्शन? बिल्कुल बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल जी, मैं आया मैं चैलेंज जी। प्रतीक जी,